सो गाइस, Redmi Note 5 Pro Redmi का पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको Android का दो अपडेट मिला था। आपको याद होगा कि Redmi Note 5 Pro इंडिया में Android 7 पर लॉन्च किया गया था, बाद में आपको इसमें Android 8 और Android 9 दोनों का अपडेट मिला था। यूजुअली ऐसा किसी भी Redmi फ़ोन्स में नहीं होता, इनफैक्ट जो भी Xiaomi के फ़ोन्स भी होते हैं बजट वाले या मतलब मिड रेंज वाले, उसमें आपको सिर्फ Android का एक मेजर अपडेट मिलता है, बाकी आपको Android कोई भी अपडेट नहीं मिलता। बट Redmi Note 5 Pro में दो Android का अपडेट मिला था और ये इंडिया में MIUI 9 पर लॉन्च हुआ था। उसके बाद आपको MIUI 10 और MIUI 11 का भी अपडेट मिल चुका है। Redmi Note 5 Pro अभी 2 साल पुराना फ़ोन हो चुका है और उसके बाद 4 सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च हो चुके हैं, Redmi Note 6 सीरीज़, Redmi Note 7 सीरीज़, Redmi Note 8 सीरीज़ और Redmi Note 9 सीरीज़ के फ़ोन्स। बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अभी भी Redmi Note 5 Pro में आपको अपडेट मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले आपको 11.0.5.0 का अपडेट मिला था। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि Redmi Note 5 Pro में Android 10 का अपडेट कब मिलेगा और Redmi Note 5 Pro में MIUI 12 का अपडेट कब मिलेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना चाहिए कि Redmi Note 5 Pro में आपको Android 10 का अपडेट तो नहीं मिलने वाला है, एक ही Android का अपडेट मिलता है। अब वैसे भी आपको Redmi Note 5 Pro में दो अपडेट मिल चुके हैं, तो कोई अपडेट अगर आता भी फ्यूचर में तो वो आपको Android 9 पे ही बेस्ड होने वाला है। Android 10 का कोई भी अपडेट आपको Redmi Note 5 Pro में नहीं मिलने वाला। और थोड़ा सी जो हार्डवेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, भाई थोड़े पुराने फ़ोन हो चुके हैं, अब पुराने फ़ोन में 3 अपडेट देना काफ़ी मुश्किल हुआ था किसी भी कंपनी के लिए भी, तो Redmi Note 5 Pro में Android 10 का अपडेट तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ Redmi Note 5 Pro में MIUI 12 का अपडेट कब मिलेगा, तो अभी कुछ दिन पहले एक लीक निकल के आ रहा था, मतलब जो जिसने बताया था वो काफ़ी अच्छा सोर्स है भाई, उसने बताया था कि Redmi Note 5 Pro का जो अपडेट आया अभी 11.0.5.0 वो इसका लास्ट अपडेट है, इसके बाद कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे इसमें कोई मतलब क्लेरिफिकेशन नहीं आई है कि Redmi Note 5 Pro का ये लास्ट अपडेट है या नहीं, लेकिन अगर हम Xiaomi के शेड्यूल से बात करें हम तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि Redmi Note 5 Pro आपको MIUI 12 का अपडेट मिलने वाला है। बट अगर आप शेड्यूल चेक करो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि Redmi Note 5 Pro को सबसे नीचे रखा गया है, मतलब जो भी Redmi के फोन से अगर सबको अपडेट मिल जाएगा उसके बाद आपको Redmi Note 5 Pro में अपडेट मिलेगा। और अभी आप चेक करो तो अभी Redmi Note 8 सीरीज का अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले से अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, तो Redmi Note 8 सीरीज को मिल जाएगा अपडेट, उसके बाद Redmi Note 7 सीरीज का नंबर आएगा, फिर Redmi Note 6 सीरीज का नंबर आएगा, उसके बाद आपको Redmi Note 5 सीरीज का नंबर आने वाला है। इतना समझ लो आप, कितना भी कम टाइम लगे अभी Redmi Note 5 Pro में MIUI 12 का अपडेट आने में तो कम से कम 2 महीने का टाइम अभी लग सकता है। बहुत लेट रहा था Xiaomi अपडेट पुश करने में किसी भी डिवाइस के लिए, तो समझ लो 2 महीने का टाइम लग सकता है, और 2 महीने का टाइम अगर लगा तो 2021 हो जाएगा। तो अर्ली 2021 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Redmi Note 5 Pro में आपको MIUI 12 का अपडेट मिल जाएगा Xiaomi के हिसाब से अगर हम बात करते हो। लेकिन अगर उन बंदे के हिसाब से बात करें जिसने बताया मुझे इसमें आपको 11.0.5.0 का लास्ट अपडेट था ये, तो मुझे लगता है ये लास्ट अपडेट था, कम से कम MIUI 12 का अपडेट मिलेगा इसमें मुझे भी लग रहा है। देखते हैं अर्ली 2021 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको Redmi Note 5 Pro में MIUI 12 का अपडेट मिलने वाला है। बाकी दोस्तों कुछ भी अगर पूछना कमेंट में पूछ लीजिए। हाँ, Redmi Note 5 Pro डिवाइस मेरे पास है और इसके बारे में अगर कुछ भी और जानकारी लेना है इसके बारे में, या मैंने इसका एक वीडियो बनाया था अभी 11.0.5.0 के अपडेट के बारे में, अगर आपको जानना है कौन सा नया फीचर मिला वो आप आई बटन लिंक डाले तो वहाँ से आप चेक कर लेना। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, कुछ पूछना कमेंट में पूछ लीजिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, और वीडियो जरूर शेयर कर दिए। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो, तब तक गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।